हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन शॉपिंग। आज मैं आपके साथ दो सिंपल जुड़ा हेयर स्टाइल शेयर करूंगी, जिसे मैंने सिर्फ फ्लेचर की हेल्प से बनाया है। इसके लिए आपको एक टाइट पोनीटेल बनानी होगी। पोनीटेल की हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इस जुड़ा को बनाने के लिए आपको किसी भी डोनट, यू पिन, बॉबी पिन या बैंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट क्लेचर से ये जुड़ा बना सकते हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। एज यू सो इन वीडियो, आपको भी पोनीटेल को आगे की तरफ ले जाना और इसे एक बड़े क्लेचर की हेल्प से टक करना है। क्लेचर को टाइटली टक करना है ताकि अगर आप अपने पोनीटेल को पीछे करो तो ये लूज होके लटके ना। अपने स्कैल्प के बालों को लेके इसे अच्छे से टक करना है, देन आपको अपने पोनीटेल को पीछे करना है क्लेचर के ऊपर से। अब आपको अपने पोनीटेल के हेयर से अपने क्लेचर को कवर कर लेना है अच्छी तरह से। ये हेयर स्टाइल उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है जिनके हेयर थिन है और जिनका बन यानी जुड़ा वॉल्यूमिनस नहीं दिखता। इस ट्रिक से उनका जुड़ा बहुत ही वॉल्यूमिनस दिखेगा। अच्छे से कवर करने के बाद आपको अपने नीचे के हेयर के एक और पोनीटेल बनानी है। ये पोनीटेल भी आपको टाइट बनानी है, ये लूज नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस हेयर स्टाइल को बनाने में आपको हार्डली से 1 से 2 मिनट लगते हैं, और जो मैं अभी दूसरा हेयर स्टाइल बनाऊंगी उससे तो आप किसी पार्टी में भी वियर कर सकते हो। अब आपने जो पोनीटेल बनाई है उसके हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। गाइज, अगर आपको मेरा ये जुड़ा बनाने का ट्रिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करना। अब आपको एक पार्ट को लेके उसे 2-3 बार ट्विस्ट करना है और उसे जो राउंड शेप क्रिएट हुआ है उसके राउंड राउंड घुमाना है। सेम चीज आपको अदर साइड के हेयर को लेकर भी करना है, उसे भी राउंड राउंड घुमाना है। देन आपको दोनों पार्ट के हेयर के इंड को लेकर उसे टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेना है। मेरे दोनों इंड एक ही जगह आ गए, इसलिए मुझे एक ही टिक टैक पिन की जरूरत हुई सिक्योर करने के लिए। अगर आपके दोनों इंड एक जगह नहीं आते तो आप इसे और भी टिक टैक पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। तो लो, बन के तैयार हो गया आपका ये ब्यूटीफुल जुड़ा, और आप खुद देख सकते हो कितना वॉल्यूमिनस लग रहा है। सेकंड हेयर स्टाइल फर्स्ट हेयर स्टाइल का ही एक्सटेंशन है। आपने जो नीचे के पोनीटेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अब उस 2 पार्ट की बनानी है आपको सिंपल ब्रेड। As you seen in video, मैं एक पार्ट को लेकर उसकी एक सिंपल ब्रेड बना रही, यानी छोटी बना रही, उसे टिप तक बनाऊंगी। मैं उसे एक टिक टैक पिन से सिक्योर कर लूंगी ताकि वो ओपन ना हो। यही सेम प्रोसेस आपको अदर साइड भी करनी है। अदर साइड भी आपको अपने हेयर पार्ट की बनानी है एक छोटी। ये ब्रिड भी आपको हेयर के टिप तक बनानी और लास्ट में एक टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये खुले ना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद बेल आइकन, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो और हेयर स्टाइल देखने के लिए। इस हेयर स्टाइल को आप गजरे के साथ किसी भी पार्टी में कैरी कर सकते हो और ये एकदम पार्लर वाले हेयर स्टाइल का लुक देगा। अब आपको अपनी एक ब्रिड को लेना है और उसे जो राउंड शेप क्रिएट हुआ है उसके अराउंड घुमाना है। सेम प्रोसेस आपको अदर साइड के ब्रिड को भी लेके करना, उसे भी राउंड राउंड घुमाना है। यू कैन सी क्लियरली इन वीडियो मैं कैसे करी, आपको भी ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। उसके बाद ये जहाँ पे एंड हो रहा है उसे टिक टैक पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। जब आप जुड़ा बनाओगे तो आपके हेयर कितने भी थिन हो आप उसे मन चाहा वॉल्यूम दे सकते हो। आप जितना बड़ा क्लचर यूज करोगे आपका जुड़ा उतना ही वॉल्यूमनेस लगेगा। तो योर सेकंड हेयर स्टाइल इज रेडी। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर